फ्रेंड्स, और आज की रेसिपी है राइस ढोकला। इसके लिए लेंगे हम एक कटोरी चने का दाल, जिसे हमें रात भर सोक करना है। अब इसे हम पीस लेंगे। अब एक बाउल में हम डेढ़ कटोरी चावल का आटा लेंगे। इसमें हम पिसे हुए चने की दाल को डालेंगे। चम्मच चीनी डालेंगे। आधा चम्मच नमक डालेंगे और नींबू का रस भी डाल देंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसमें हमें एक कटोरी दही डालना है। अब हम इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक स्मूथ बैटर तैयार करेंगे। इसे हमने मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम एक पैकेट इनो डालेंगे। इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। हमारा बैटर तैयार हो गया है और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। टिन को हम ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे और इसमें अब हम बैटर डालेंगे। टिन को हमें पूरा नहीं भरना है, इसमें 1/3 भाग हमें खाली छोड़ना है। अब हम स्टीमर में पानी गर्म करेंगे। पानी गर्म होने के बाद हम टिन को स्टीमर के अंदर रख देंगे। स्टीमर का लिड लगाकर हम इसे 15 से 20 मिनट तक पकने देंगे। हम एक टूथपिक की मदद से चेक करेंगे कि अच्छे से पका है या नहीं। अगर टूथपिक क्लीन निकल जाए, मतलब ये पक चुका है। इसकी टेम्परिंग तैयार करेंगे। इसके लिए हम तेल गरम करेंगे। 2 चम्मच सरसों के दाने डालेंगे और उसे क्रैकल होने देंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, 1 चम्मच चीनी, आधा कटोरी पानी डाल देंगे। हम डालेंगे 1 चम्मच नींबू का रस। हम इसे एक बार मिला लेते हैं। गैस को अब हम बंद कर देंगे। अब ये राइस ढोकला थोड़ा ठंडा हो गया है। इसके चारों तरफ चक्कू को ऐसे चला लेंगे। अब हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे। इसके ऊपर हमने जो शुगर सिरप बनाई थी, वो अच्छी तरह से चारों तरफ डाल देंगे। अब इसके ऊपर हम कटी हुई हरी धनिया गार्निश कर देंगे।
ये हमारा राइस ढोकला बनकर तैयार है।